सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जस्ट टेक्स पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना मत भूलिए। तो आते हैं अभी हमारे कंटेंट की तरफ। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस, आधार इनरोलमेंट या फिर अपडेट सेंटर में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह की भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो इस ऐसी वाली ही लाइन में आपको खड़े रह के अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने के बाद आपको अगर आपका एक काम है तो कुछ पैसे, या फिर उससे ज़्यादा काम हो तो उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बात कुछ गलत लगती है मुझे, जो कि आपको भी लगी होगी। तो इसी वजह से जो UID का एक जो ऑफिशियल वेब है ट्विटर पे, तो उन्होंने जो पोस्ट निकाली है उसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। सो गाइस, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनको आप एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हो उनका आधार कार्ड बना के। तो ध्यान में रखिए कि 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो उन फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करना मत भूलिए। और पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि जो आधार कार्ड का ऑफिस होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये लिए जाते हैं अपना आधार कार्ड अपडेट करने के लिए। तो जो आधार कार्ड का जो अहमियत है इस बात से जाना जा सकता है कि कोई भी काम इसके बिना मुश्किल है। तो अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो बस जो 50 रुपये की फ़ीस होती है वही भरनी पड़ती है। तो अगर आपको अगर दूसरी बातें बताना चाहे तो आधार कार्ड ने एक ट्वीट किया था कि ट्वीट के मुताबिक अगर आपका जो आधार कार्ड की कोई डिटेल्स आपको अपडेट करनी हो या फिर कुछ मल्टीपल बदलाव करने हो तो इसके लिए आपको जानकारी देनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए जो उन्होंने बताया है कि अगर आधार में बदलाव के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक कुछ रकम मांगी जाती है तो ऑनलाइन इसकी आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन शिकायत ना करके आप कुछ हेल्पलाइन नंबर है उसको भी आप कॉल करके बता सकते हैं। तो शिकायत कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। तो उसके लिए हमें एक नंबर होता है 1947, इस नंबर को कॉल करके आप अपनी जो ऑनलाइन तकरार है वो आप दिखा सकते हो। तो ये रहा वो नंबर, इसी नंबर से आप जो शिकायत है वो सीधा फीडबैक के तौर पे दे सकते हो। तो उसके बाद जो वेबसाइट से वो उस वेबसाइट से भी आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं, जो फॉर्म फिलिंग के तौर पे आपको दिखाई जाती है। तो इसमें कार्ड का प्रिंट, स्पीड पोस्ट का खर्च और GST भी शामिल है, यानी कि जो सारा खर्च होता है वो सिर्फ 50 रुपये में होता है। उनको कहना है कि ये 50 रुपये आपको प्रिंट के तौर पे दिए जाते हैं, यानी कि आपको इसके कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। तो ये सिर्फ होम डिलीवरी के तौर पे आपको दिए जाते हैं। तो बस 50 रुपये में आप जो अपने काम है वो बचा सकते हैं। बहुत से ऐसे आधार के काम होते हैं जो ज़्यादा पैसे मांग के किए जाते हैं, मगर 50 रुपये को ध्यान में रखिए। तो 50 रुपये में मिलता गया है। तो पहला आता है आधार कार्ड का प्रिंट, उसके बाद आता है एक से अधिक अपडेट की सेवा, और बच्चों के लिए तो सुविधा है ही। तो इससे क्या होता है कि अपनी जो प्राइवेसी होती है वो अपडेटेड रख के अपने बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल तौर की, यानी कि उज्जवल भविष्य आप बना सकते हो। तो इसी तरह से जो अपडेट्स आती है आने वाली, बहुत से ऐसे अपडेट्स होती है, तो इसी अपडेट्स को अपडेटेड रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।